अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो व्यूअर्स, आई मोहम्मद अब्दुल हबीब वेलकम यू ऑल टू एम्स ट्यूटोरियल फॉर अकाउंट्स। इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अंडर यूनिट 4 चैप्टर 5 फॉर इंटरमीडिएट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स फॉर स्टेट बोर्ड ऑफ तेलंगाना। लेट अस हैव ए प्रॉब्लम पेज नंबर 237 क्वेश्चन नंबर 18। गिव जनरल एंट्री व्हेन गुडविल इज क्रिएटेड स्लैश रेज्ड इन द बुक्स। जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करते, हाउ द ओल्ड पार्टनर्स वैल्यू द गुडविल, तब द value of the goodwill, how it will be recorded in books of accounts. So when you are valuing the goodwill, it will be recorded as, the general entry will be recorded as, let us take an example that A and B are partners sharing profits and losses in ratio 2:1. The goodwill of the firm at the time of admission of C is valued at ₹30,000. Pass the general entry. Here is an example. A and B are partners sharing profit and losses in ratio 2:1. So 2+1, it becomes 3. So the amount of goodwill to be distributed among A and B will be 30,000 into 2/3, 30,000 into 1/3. The goodwill of the firm at the time of admission of C, जब नया बंदा C business में आ रहा, उस वक्त ये लोग गुडविल मालूम कर रहे, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कर रहे, विच हैज बीन वैल्यूड एट 30,000। फॉर दिस यू हैव टू पास ए जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेफ्ट, डेबिट, अमाउंट, रुपीस, क्रेडिट, अमाउंट, रुपीस। तो आपको क्या करना है, पास ए जनरल एंट्री व्हेन गुडविल इज क्रिएटेड और रेस्ड। सो द जनरल एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल कितने पे वैल्यू कर रहे हैं आप, इट इज बीइंग वैल्यूड एट 30,000। सो हु आर पार्टनर्स हियर, ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स एंड दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। तो जब आप गुडविल वैल्यू करते, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हु आर ओल्ड पार्टनर्स हियर, ए एंड बी, सो इट विल बी ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो ये लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है, 2:1, मतलब 2:1, दैट इज 2+1, इट बिकम्स 3। सो वॉट एवर द अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 30,000, दिस विल बी डिवाइडेड इंटू 3 शेयर्स, एज 2+1 इट बिकम 3। तो 3 1 3, 3 10 30, सो द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10,000। ए हैज़ 2 शेयर्स, सो हिज शेयर विल बी 20,000, whereas B has only 1 share, so his share in goodwill will be 10,000. तो जब आप ये 30,000 बांटेंगे या 2:1 में, A is getting an amount of rupees 20,000 and B is getting an amount of rupees 10,000. तो अब इसका नरेशन कहेंगे, being goodwill is valued. And remember that when goodwill is valued, it will appear in asset side of the balance sheet. जब goodwill is valued का problem है, तो ये तो general entry थी, goodwill account debit to A capital account, B capital account. Then goodwill will also be shown in new balance sheet asset side. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications.
डू लाइक माई वीडियो, पोस्ट अवेलेबल कमेंट्स एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड ऑल. चवन शेयर कैन हेल्प समवन टू लर्न समथिंग. सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.